आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजाला। हिना जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है, आपने अभी नहीं सोचा होगा, आपने कई जगह दिखाया दुनिया में, लेकिन आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है आपको नहीं बताया गया। अलग अलग जांचें हुई, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि मेरे को क्या इतना कम क्यों दिख रहा है या यहाँ नहीं दिखता यहाँ दिखता है, ये कोई नहीं बताया होगा आपको आज तक कि आपको ये दिखाई पड़ता है। तो ये सामने है आपका पेरिफेरल विजन, आप देख रहे हैं कि आप जो कहते हैं मेरे को ऊपर की तरफ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, ठीक। तो ये पॉइंट जो है आपको, ये एरिया जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सेंटर में ये 11 इंची है, यहाँ तक आपको ऊपर से लेकर नहीं दिखता है, बीच में थोड़ा सा पॉइंट आपको दिखता है 1 इंच का, 1.1 इंच इधर धुंधला दिख रहा है, अपर साइड आपको धुंधला दिखता है, सेंटर पॉइंट में आपको मात्र 1.1 इंच राइट साइड दिखता है, लोअर साइड पे 1 इंच, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको 1 इंच मात्र दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सेंटर जब आप देखते हैं तो आपको एक पाइप सरी की लाइन है इस तरह से, ये 1 इंच के छेद में से आप देखते हैं वैसा दिखाई पड़ता है लेफ्ट आंख, राइट आंख से वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सेंटर में थोड़ी रोशनी है, हम प्रयास करेंगे कि आपको सेंटर में जो नीचे का गोला दिख रहा है, इनका हर पार्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है एक आंख का हीरा आपका जा चुका है, जिससे नहीं के बराबर आप टेढ़ा मेढ़ा करने पे दिखाई पड़ता है, और दूसरी आंख जाने की तैयारी कर रही है। आप विश्वास रखिए मुझ पे, आप एक नॉर्मल लाइफ जी। हीरा जी, आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है और आपकी बीमारी जो थी मैक्युलर डिजनरेशन की स्थिति ये थी, आपकी सेंट्रल पार्ट आपका टोटली ब्लाइंड हो गया था, इस तरह से जो रेड लाइट में आपका ये बना हुआ है, और सेंटर में सिर्फ 1 इंच का गोले में से पाइप में से आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखा करता था जी। बाकी का पूरा ब्लैंक था, कुछ नहीं दिखता था ऊपर के पार्ट। आज पहले कोर्स के बाद ये स्थिति हुई है, ये जो आपका 1 इंच का गोला था वो 2.2 इंच हो गया है, आपके राइट हैंड साइड पे 1.1 इंच ये, और ये बढ़ के हो गया है 4.3 इंच, ये गोला अब आपका इतना बड़ा हो गया है जिसमें से आप देख पा रही है ऊपर की तरफ आपको मात्र 1 इंच दिखता था, ये बढ़ के हो गया 2.6 इंच, हर जगह हर डायरेक्शन में डबल आपका विजन हो गया है। इसी तरह आपका लेफ्ट हैंड साइड पे 1 इंच था, ये भी 2 इंच हो गया, तो सेंटर पार्ट में आपको जो दिखा पड़ता था 1 इंच के पाइप से वो आप लगभग 2.2 इंच हो गया, यानी मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको जो दिखाई पड़ता था को मात्र 1 इंच के पाइप में से दिखा करता था, जिस तरह से देख रहे हैं आप इस तरह से दिखा करता था, और इससे ज्यादा कोई दिखा नहीं करता था, और ये भी धुंधला दिखता था, है ना, आपको फोकस करने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ती थी। 1 फीट तक आपको ये पाइप से दिखता भी था तो 1 फीट से ज्यादा थोड़ा धुंधला ही दिखता होगा, बाकी दिखाई नहीं पड़ता था। आज स्थिति ये हुई है कि आपको जो पॉइंट है, ये जो सेंट्रल विजन है, ये सेंट्रल विजन आपका बढ़ के लगभग 2.2 इंच का हो गया, आप कह सकते हैं आज आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये पाइप इससे थोड़ा ज्यादा बड़े पाइप से आपको दिखाई पड़ रहा है, आज आपकी नजर जो हुई है वो 2.25 इंच के आसपास आपकी नजर, ये सेंट्रल विजन पूरा सर्कल जो है 2.25 इंच का हो गया है, जिससे आपको देखने में काफी सुविधा होगी, क्योंकि आज आपकी नजर जो है चश्मे से आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है, देखिए दूर के नजर में आपको क्या फर्क आया है, देखिए सामने बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है क्या जी? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा खड़े होके आप आगे जाके देखिए, रुक जाइए जहाँ से दिखे वहां से रुक जाइए, क्या दिखा बहुत बहुत बधाई हो आपको, जीवन में वो हुआ है आप कल्पना नहीं कर सकते थे, आप मात्र 1 फीट से दिखा करते थे उंगलियां धुंधली,
घोर आज आपने 4 मीटर से आपने अक्षर बताया है, 4 मीटर मतलब आप समझते हैं करीब लगभग 14 फीट, 1 फीट से आपकी रोशनी हो गई है 14 फीट। ईश्वर की ये सौगात आपको मुबारक हो, ईश्वर ने आपके ऊपर बहुत रहम किया और उस दयालु ईश्वर का धन्यवाद दीजिएगा कि आप रोशनी आपकी बढ़ती रहे और आप अपने पारिवारिक जिम्मेवारियां निभाने में सक्षम रहे। धन्यवाद। 4 मीटर एग्जैक्ट पहुंचिए। आपने आज पहला अक्षर पढ़ा है एल, एल पढ़ा, इसके कारण मैं कह सकता हूं कि आपकी नजर जो हुई है 2.25 इंच के पाइप से 4 मीटर हो गई है। उसके ये जो सेंट्रल विजन बढ़ा है, क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका मैक्युलर डिजनरेशन खत्म हुआ, मैक्युलर डिजनरेशन खत्म हुआ, आपका पर्दा जो खत्म हो गया था वो पुनः डेवलप हुआ, तो आपको ये दिखना शुरू हुआ है जो कि पहले लगभग 1 इंच था चारों तरफ। बहुत सारी बधाई हो, सेंट्रल विजन आपका इम्प्रूव हुआ। और ये क्या दिखाई पड़ रहा है? 8.5, 2.9 दिखाई पड़ रहा है सेकंड लाइन का लेफ्ट आंख से। राइट लेफ्ट आंख बंद करके राइट आंख से कुछ दिखता है क्या? राइट से नहीं दिख रहा। 2.85 और 2.9 सेकंड लाइन का आपको मैच के अक्षर दिखते हैं लेफ्ट आंख से। कुछ दिख रहा है? ए दिख रहा है, इसमें एक्स है, क्लियर नहीं है, ए और एक्स साफ दिख रहा है। एट फाइव टू नाइन फाइव एट दिख रहा है कुछ। वेरी गुड, एट के पास सेवन सेवन है, एट सेवन फिर फाइव भी है क्लास में। बिल्कुल सही है, फाइव, फाइव के बाद कुछ है क्या? थ्री शायद, थ्री है और थ्री तो गलत है। बहुत सारी बधाई हो आपको, पास की में आपको रोशनी आना शुरू हुई है। आप दूसरी लाइन का एक अक्षर दो अक्षर पढ़ते थे, आज तीसरी लाइन के 3 अक्षर आप पढ़ रहे हैं, मतलब कुल मिला के 1 लाइन का इजाफा हुआ आपकी पास की नजर। बिल्कुल सही, 3.5 बधाई हो आपको। लक्ष्मण रेखा टूटी, आप 12 पे अटके हुए थे, वहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुआ है आपका, 3.5 आया। इसके बाद इसमें क्लियर दिख रहा है, 1.2 सही नहीं, ये लास्ट बताइए। ये 4 दिख रहा है, 4 और 2 ही है। कलर ब्लाइंडनेस भी एक विश्व की असाध बीमारी है, उसको आज आपने हराया है। एक अक्षर से आप 12 अक्षर पे पहुंच गए, 12 अक्षर मतलब लगभग आप आधी किताब पढ़ लिए हैं, और ईश्वर ने चाहा तो अगली बार में आप पूरी किताब पढ़ेंगे और कलर लाइन को आप डिफीट करेंगे। इलाज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। हम भी यही चाहते हैं सीमा जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते, सिर्फ आप बचा सकते हैं। जी हाँ, ये दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में, उज्जैनी रोगी हैं जो देश के, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में।